नमस्कार दोस्तों, मैं अनुराग सिंह इनके क्लासेस में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज है 11 अप्रैल 2020 और आज की डेट के जितने भी करंट अफेयर्स के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं हम आपको वन बाई वन डिस्कस करेंगे। दोस्तों, अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबा दें जिससे कि हम कोई भी वीडियो डालें तो आपको उसका नोटिफिकेशन मिल जाए। दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें और कमेंट करें। और हाँ दोस्तों, अगर आपको आज के करंट अफेयर्स की PDF लेनी हो तो वीडियो को डिस्क्रिप्शन में जाके हम PDF की लिंक दे देंगे, जिस जहां आप जाके डाउनलोड कर सकते हैं। दोस्तों, चलते हैं आज के पहले क्वेश्चन की ओर। दोस्तों, आज का पहला क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य ने टॉप पेरेंट ऐप लॉन्च किया है? इसके चार ऑप्शन हैं, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान और नई दिल्ली। तो दोस्तों, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, मध्य प्रदेश। दोस्तों, अभी हाल ही में मध्य प्रदेश सरकार ने टॉप पेरेंट ऐप लॉन्च किया है। इस ऐप के जरिए 1 से लेकर 12वीं क्लास के बच्चे मैथ, साइंस, हिंदी आदि सब्जेक्ट पढ़ सकते हैं। दोस्तों, बात आती है मध्य प्रदेश की, तो मध्य प्रदेश के सीएम कौन है? शिवराज सिंह चौहान। मध्य प्रदेश के गवर्नर कौन है? लालजी टंडन। मध्य प्रदेश की कैपिटल क्या है? भोपाल। मध्य प्रदेश में लोकसभा की 29 सीटें, राज्यसभा की 11 सीटें और विधानसभा की 229 सीटें आती हैं। दोस्तों, बढ़ते हैं आज के अगले क्वेश्चन की ओर। आज का अगला क्वेश्चन है, CRPF और सौर्य दिवस कब मनाया जाता है? इसके चार ऑप्शन हैं, ऑप्शन नंबर 1 है 2 अप्रैल, ऑप्शन नंबर 2 है 6 अप्रैल, ऑप्शन नंबर 3 है 9 अप्रैल, ऑप्शन नंबर 4 है 3 अप्रैल। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, 9 अप्रैल। दोस्तों, हर साल CRPF सौर दिवस 9 अप्रैल को मनाया जाता है। दोस्तों, जो इस साल 9 अप्रैल 2020 को CRPF का सौर दिवस मनाया गया है, ये CRPF का 54वां सौर दिवस मनाया गया है। बात आती है CRPF की, तो दोस्तों, CRPF जिसका पूरा फुल फॉर्म क्या होता है देख लीजिए, सी फॉर सेंट्रल, आर फॉर रिजर्व पुलिस फोर्स। CRPF की स्थापना कब हुई थी? 1939 में। इसका हेडक्वार्टर है न्यू दिल्ली और इसका जो मोटो है, सेवा और निष्ठा है और इसके महानिदेशक हैं AP महेश्वरी। दोस्तों, बढ़ते हैं आज के अगले क्वेश्चन की ओर, किस राज्य सरकार ने सील्ड ऑपरेशन शुरू किया है? इसके चार ऑप्शन हैं, ऑप्शन नंबर 1 है उत्तर प्रदेश, ऑप्शन नंबर 2 है मध्य प्रदेश, ऑप्शन नंबर 3 है दिल्ली और ऑप्शन नंबर 4 है पंजाब। तो दोस्तों, अभी हाल ही में दिल्ली सरकार ने ऑपरेशन सील्ड शुरू किया है। बात आती है ऑपरेशन सील्ड की, तो सील्ड का फुल फॉर्म क्या होता है देख लीजिए, यस फॉर सीलिंग होम क्वारंटाइन, एच फॉर आइसोलेशन एंड ट्रेसिंग, आई फॉर दोस्तों माफ करिएगा एस फॉर सीलिंग, एच फॉर होम क्वारंटाइन, आई फॉर आइसोलेशन एंड ट्रेसिंग, ई फॉर इसेंशियल सप्लाई, एल फॉर लोकल सैनिटेशन एंड डी फॉर डोर टू डोर चेक्स। दोस्तों, बात आती है नई दिल्ली की, तो नई दिल्ली के सीएम कौन है? अरविंद केजरीवाल जी। डिप्टी सीएम है मनीष सिसोदिया।
यहाँ के एलजी हैं अनिल बैजल, दिल्ली में लोकसभा की 7 सीटें, राज्यसभा की 3 सीटें और विधानसभा की 70 सीटें आती हैं। दोस्तों बढ़ते हैं आज के अगले क्वेश्चन की ओर। आज का अगला क्वेश्चन है, हाल ही में संयुक्त राष्ट्र ने भारत की जीडीपी कितने रहने का अनुमान लगाया है। इसके 4 ऑप्शन हैं, 3.5%, 4.1%, 4.8% और 5.3%। दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, 4.8%। दोस्तों अभी हाल ही में संयुक्त राष्ट्र ने भारत की जीडीपी 4.8% रहने का अनुमान लगाया है। दोस्तों बात आती है जीडीपी की, तो जीडीपी का फुल फॉर्म क्या होता है देख लीजिए, जी फॉर ग्रॉस, डी फॉर डोमेस्टिक, पी फॉर प्रोडक्ट। दोस्तों बात आती है संयुक्त राष्ट्र, यूएन, यूनाइटेड नेशन, इसकी स्थापना कब हुई थी, 24 अक्टूबर 1945 में। यूएन का मुख्यालय कहाँ है, न्यूयॉर्क में। इसके सदस्य देश कितने हैं, 193 हैं और अध्यक्ष हैं संयुक्त राष्ट्र के एंटोनियो गुटेरेस। दोस्तों आज के बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। आज का अगला क्वेश्चन है, हाल ही में IIM बेंगलोर के निदेशक कौन बने हैं। इसके 4 ऑप्शन हैं, ऑप्शन नंबर 1 है ऋषिकेश श्रीकृष्णन, ऑप्शन नंबर 2 है प्रभास सिंह, राजीव गोबा और ऑप्शन नंबर 4 है विकास राजा। दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, ऋषिकेश श्रीकृष्णन। IIM इसका फुल फॉर्म होता है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट। दोस्तों बढ़ते हैं आज के अगले क्वेश्चन की ओर। आज का अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश ने WHO के लिए अपनी फंडिंग रोकने का फैसला किया है। इसके 4 ऑप्शन है, चीन, रूस, फ्रांस और अमेरिका। दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा अमेरिका। अमेरिका ने हाल ही में WHO के लिए अपनी फंडिंग रोकने का फैसला किया है, डोनाल्ड ट्रंप जी ने ये फैसला लिया है। दोस्तों बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। आज का अगला क्वेश्चन है, केंद्र सरकार ने बैंक बोर्ड ब्यूरो के वर्तमान सदस्यों का कार्यकाल कितने साल के लिए बढ़ा दिया है। इसके 4 ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर 1 है 5 साल, 2 है 3 साल, 2 साल और 4 साल। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, 2 साल। अभी हाल ही में बीबीबी ने यानी बैंक बोर्ड ब्यूरो ने अपने वर्तमान सदस्यों का कार्यकाल 2 साल के लिए बढ़ा दिया है। बात आती है बीबीबी की, इसका फुल फॉर्म क्या होता है, बैंक बोर्ड ब्यूरो। इसकी स्थापना हुई थी 2016 में। इसका हेडक्वार्टर है मुंबई में और इसके चेयरमैन हैं भान प्रताप शर्मा। दोस्तों बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। आज का अगला क्वेश्चन है, हाल ही में हिंदुस्तान यूनिलीवर ने COVID-19 से मुकाबला के लिए किसके साथ समझौता किया है। इसके 4 ऑप्शन हैं, यूनिसेफ, WHO, MHRD और इनमें से कोई नहीं। दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, यूनिसेफ। अभी हाल ही में हिंदुस्तान यूनिलीवर ने COVID-19 से मुकाबला के लिए यूनिसेफ के साथ समझौता किया है। बताती है यूनिसेफ की, तो यूनिसेफ का मुख्यालय कहाँ है, न्यूयॉर्क में है। दोस्तों पढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। आज का अगला क्वेश्चन है, हाल ही में कहाँ COVID-19 समर्पित 24/7 हेल्थ चैनल लॉन्च किया गया है। इसके 4 ऑप्शन हैं, मुंबई, कोलकाता, नई दिल्ली और निकोबार। दोस्तों अभी हाल ही में निकोबार में COVID-19 समर्पित 24/7 हेल्थ चैनल लॉन्च किया गया है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, निकोबार।
जो 24/7 हेल्थ चैनल लॉन्च किया गया है, ये 3 भाषाओं में लॉन्च किया गया है। पहली भाषा है हिंदी, दूसरी है इंग्लिश और तीसरी है निकोबारी। आप ये तीनों भाषाओं में 24/7 हेल्थ चैनल को सुन सकते हैं। दोस्तों बढ़ते हैं आज के अगले क्वेश्चन की ओर। आज का अगला क्वेश्चन है, किस राज्य सरकार ने अपनी जेलों में फेस मास्क बनाने की योजना शुरू की है? 4 ऑप्शन है, आपका नंबर 1 है सिक्किम, आपका नंबर 2 है तमिलनाडु, आपका नंबर 3 है राजस्थान, आपका नंबर 4 है उत्तर प्रदेश। दोस्तों अभी हाल ही में तमिलनाडु सरकार ने अपनी जेलों में फेस मास्क बनाने की योजना शुरू की है। दोस्तों बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। आज का अगला क्वेश्चन है और लास्ट क्वेश्चन है, हाल ही में ADB ने COVID-19 से निपटने के लिए भारत को कितने बिलियन डॉलर की मदद की घोषणा की है? इसके 4 ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर 1 है 0.5 बिलियन डॉलर, ऑप्शन नंबर 2 है 2.2, ऑप्शन नंबर 3 है 2.4 और ऑप्शन नंबर 4 है 3 बिलियन डॉलर। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, 2.2 बिलियन। अभी हाल ही में ADB ने 2.2 बिलियन डॉलर COVID-19 से निपटने के लिए भारत को दी है। ADB का फुल फॉर्म क्या होता है देख लीजिए, ए फॉर एशियन, डी फॉर डेवलपमेंट, बी फॉर बैंक, यानी एशियन डेवलपमेंट बैंक। बात आती है एशियन डेवलपमेंट की, तो इसकी स्थापना कब हुई थी? 19 दिसंबर 1966 में ADB से प्रेजेंट में 68 कंट्री जुड़ी हुई हैं। ADB की प्रेसिडेंट कौन है वर्तमान में वो देख लीजिए, ADB की वर्तमान में प्रेसिडेंट मासात्सुगु असकावा है और ADB का हेडक्वार्टर है फिलीपींस में। दोस्तों ये रहे आज के कुछ महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स के क्वेश्चन। दोस्तों अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। और दोस्तों अगर आपको आज के करंट अफेयर्स की PDF डाउनलोड करनी हो तो हमारे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाके, वहाँ से भी हम PDF की लिंक आपको प्रोवाइड करा दे रहे हैं, वहाँ से आप जाके PDF डाउनलोड कर लीजिए। दोस्तों आज के लिए इतना ही, आपसे कल फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।